नमस्कार दोस्तों, कई कपड़े वार्डरोब में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लकी साबित होते हैं और अक्सर देखा जाता है अगर हम किसी जरूरी काम पर जाते हैं तो उसी लकी कपड़े को पहनने के लिए चुनते हैं, जिसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है सफलता। तो वहीं कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको पहनकर अगर घर से निकल जाए तो दिन खराब ही बीतता है और तो और हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा और किसी के साथ ना हो, उसके लिए आज इस वीडियो में हम कुछ जानकारी देने वाले हैं। यानी आज हम आपको बताएंगे कि कौन से दिन किस कलर का कपड़ा पहनने से आपका दिन बढ़िया बीतेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। शास्त्रों के अनुसार ये दिन भोलेनाथ को समर्पित है, इसीलिए इस दिन लाइनिंग या चौकड़े यानी चेक्स वाले वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा कांच में अपना चेहरा देखकर घर से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा करने से वे दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। अब बात करते हैं हनुमान जी के दिन मंगलवार की। इस दिन खास तौर पर लाल या गुलाबी कपड़े पहनने की मान्यता है, साथ ही अगर घर से निकलने से पहले ये उपाय कर लेंगे फिर बात ही क्या होगी। घर से जब भी निकले थोड़ा सा बस गुड़ खा लें, पूरा दिन खुशी खुशी कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं बुधवार की। गणपति को समर्पित इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, साथ ही घर से निकलने से पहले धनिये का सेवन जरूर करें। और पारी आती है श्री हरि को समर्पित दिन गुरुवार की। इस दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। बता दें इसके अलावा इस दिन सफेद रंग के वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। ध्यान रहे गुरुवार के दिन घर से बाहर निकलते समय जीरा खाना शुभ माना जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं शुक्रवार की। देवी लक्ष्मी के प्रिय दिन शुक्रवार को सफेद या हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। कहा जाता है श्री हरि की अर्धांगिनी विष्णु भक्तों पर अधिक प्रसन्न होती है। इस दिन घर से निकलते समय दही खाना ना भूले, हर काम में सफलता मिलेगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि शनिवार को शनिदेव की पूजा करने का विधान है, तो इस दिन खास तौर पर काले कपड़े पहने, घर से निकलते समय अदरक मुंह लगा कर निकले लाभकारी होता है। और अब आता है सप्ताह का आखिरी दिन रविवार, जिसे हर कोई एंजॉय करना चाहता है। इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और घर से निकलते समय पान या घी खाकर निकलना बहुत ही शुभ होता है। आपको बता दें कई बार हमारी कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा ऐसी होती है जिसके वजह से अशुभ प्रभाव लाइफ पर पड़ने लगता है और कोई भी काम पूरा होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और हर काम में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो कल से इन उपायों को करना शुरू कर दें। प्रत्येक दिन घर से निकलते समय सरलतम उपाय करें और इन उपायों को अपनाकर आपका दिन कैसा बीतता है हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।